नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आगरा में 20 सड़क पर युवक और युवतियों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब एक घंटे सड़क पर यूं ही मारपीट होती रही। इस दौरान लोग तमाशबीन बन पूरे झगड़े को देखते रहे। किसी ने बीच बचाव करने की जहमत तक नहीं उठाई। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं की। मारपीट का ये मामला जब शुरू हुआ जब एक युवक बिना नंबर की स्कूटी पर सवार तीन लड़कियां मिठाई की एक दुकान पर पहुंची। तस्वीरें इस पूरे झगड़े की आपके सामने इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ एक लड़का भी था। वहीं अन्य तीन लड़के वहां आ गए किसी बात को लेकर। लड़कियों के साथ खड़े लड़के के अन्य लड़कों ने पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद मोर्चा लड़कियों ने संभाला और तीनों लड़कों पर हेलमेट से हमला कर दिया। इस दौरान लड़कों के गुट के कुछ अन्य युवक वहां पहुंच गए और उन्होंने युवतियों को पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये मारपीट का पूरा मामला चल रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर ये लड़ाई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। युवतियां यहां पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब एक घंटे तक चलता रहा है यहां पर। हालांकि इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ, इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ये सब तमाशा आखिर किस वजह से हुआ, लेकिन 20 सड़क पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर देखने को मिला है। युवक और युवतियां यहाँ पर आपस में भिड़े हैं। अगर यहाँ पर लोगों की बात की जाए तो सब यहाँ पर तमाशबीन बने रहे, किसी ने भी इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश नहीं की। करीब एक घंटे तक ये सड़क पर लात घूंसे चलते रहे। सरेआम यहाँ पर देखिए युवती की पिटाई भी की जा रही है कि युवक लगातार युवती को हाथापाई कर रहे हैं युवती के साथ, लेकिन यहाँ की जनता तमाशबीन बनी हुई है। किसी ने भी इस पूरे तमाशे को खत्म करने की कोशिश नहीं की, जहमत तक नहीं उठाई बीच बचाव करने की। आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 20 सड़क पर युवक और युवतियों ने जमकर तमाशा मचाया। करीब एक घंटे तक यूं ही सड़क पर यह मारपीट होती रही। तमाशबीन बन पूरे झगड़े को यहां पर लोग देखते रहे। किसी ने भी इस पूरे तमाशे को खत्म करने की जहमत नहीं उठाई, बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पूरा मामला आखिर शुरू कब हुआ ये भी आपको बता दें, जब एक युवक बिना नंबर की स्कूटी पर सवार तीन लड़कियों के साथ एक मिठाई की दुकान पर पहुंचा। इस दौरान उसके साथ एक और लड़का था। वहाँ इस दौरान तीन अन्य लड़के वहाँ पर पहुँच गए और किसी बात को लेकर जो लड़का लड़कियों के साथ खड़ा था उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। जिसके बाद लड़कियों को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने मोर्चा संभाला। तीनों लड़कों पर हेलमेट से जमकर हमला बोला। संवाददाता राजकुमार आगरा से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, तस्वीरों में साफ देख रहे हैं यहाँ पर तमाशा हो रहा है, मारपीट हो रही है, आखिर वजह क्या है इस पूरे मामले की? देखिए रश्मि, जिस तरीके से ये पूरा वाक्या जो सामने आया वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि तीन लड़कियां पहले चौराहे पर आती हैं और फिर कुछ लड़के आते हैं, उनमें आपस में मारपीट होती है, काचुनी होती है। ये प्रतापपुर चौराहे का मामला है। जिस तरीके से एक लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया है, काफी देर बाद वहाँ जब एक घंटे तक ये पूरा बवाल चलता रहा उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उस लड़के के मुताबिक ये लड़कियां जो है वो कॉल गर्ल बताई जा रही थी, लेकिन अभी स्पष्ट ये जांच में नहीं हो पाया है कि आखिर वो थी कौन और बजे क्या थी। जी राजकुमार, जिन लड़कियों के साथ ये अभद्रता ये मारपीट हो रही है, आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए वो जो मारपीट सामने आई थी कहीं ना कहीं उसके बाद से कैमरे पे भी कोई लड़की बोलने को तैयार नहीं है। जो ये वाक्या था वो शूट हो गया था कैमरे में, लेकिन उसके बाद से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन लड़कों का ये आरोप है, पुलिस जांच में जुटी है, अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये मामला क्या था। अब तक पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? पुलिस यही कह रही है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है।
राजकुमार, आखिर ठीक है, लड़कों का आरोप है कॉलगर्ल थी ये लड़कियां, लेकिन वहां पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी होंगे। आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ, किस वजह से ये झगड़ा इतना हुआ कि आपस में यहां पर कुत्तम कुत्ता देखने को मिल रही है? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों का यही कहना है कि चौराहा है, चौराहे पर पहले लड़कियां आती हैं, उसके बाद लड़के आते हैं, आपस में बातचीत होती है, कासनी होती है, उसके बाद लात मुंह से चलते हैं। लड़कियां भी लड़कों पर अटैक करती आपको दिख रही होंगी वीडियो में, तो दोनों में ही बात लगातार जिस तरीके से ये ड्रामा कम से कम एक घंटे तक चला, और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस जैसे ही मौके वारदात पर पहुंची है तो जो भी उपद्रवी थे या जो भी झगड़ा कर रहे थे वो भाग गए। एक लड़के को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्पष्ट तभी बता पाएगी जब उसकी पूछताछ में जो जांच सामने आएगी। जी चलिए राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा में ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं इस पूरे झगड़े की, आप देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे झगड़े में एक युवक को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, लेकिन अब तक खुलासा नहीं हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर जारी है, लड़कों द्वारा लड़कियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लड़कियों द्वारा लड़कों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरा मामला तब साफ होगा जब जानकारी में साक्ष्य तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर जो कार्रवाई होगी उसके बाद पता चलेगा कि आपके क्या कुछ है।